पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। कुछ ही देर की खामोशी है, फिर कानों में शोर आएगा। तुम्हारा तो सिर्फ वक्त है, हमारा तो पूरा दौर आएगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजेश है। आप देख रहे हैं इस वक्त मुझे चित्रकूट स्टेडियम जयपुर राजस्थान में। दोस्तों आज मैं एक ऐसी प्रतिभा से मिलाने जा रहा हूँ जो खुद में एक कामयाबी है, खुद में एक मिसाल है। दोस्तों नाम है चंदन वर्मा, आइए उसी से जानते हैं उन्होंने अब तक इस देश के लिए, खुद के लिए, इस समाज के लिए उन्होंने क्या किया है। तो मिलते हैं चंदन वर्मा से। एक दिव्यांग एथलेटिक खिलाड़ी, नाम चंदन वर्मा। चंदन के पिता का साया बचपन में ही छीन गया था, उनका नाम रामेश्वर प्रसाद वर्मा था। चंदन की मां नंदू देवी जो पूरा घर संभालती है। चंदन के एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन है। चंदन का जन्म 1996 को हुआ था। चंदन बचपन ऐसे ही दिव्यांग और सेरेब्रल पाल्सी डिजिट पीड़ित है। चंदन जयपुर के विकास नगर हीरापुरा अजमेर रोड जयपुर राजस्थान में रहते हैं। चंदन को दिव्यांग रत्न अवार्ड 2018 सम्मानित किया जा चुका है। चंदन ने अब तक नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 5 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडलिस्ट लिए हैं। चंदन हिंदू गौरव अवार्ड 2019 सम्मानित है। चंदन को राजस्थान विशेष योग्यजन सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी 2019 जो कि राजस्थान सरकार के मंत्री भंवरलाल मेघवाल के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। चंदन सेरेब्रल पाल्सी वर्ल्ड गेम्स स्टेन बार्सिलोना में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, जिसमें 100 मीटर में 5वीं रैंक और 200 मीटर में 4थी रैंक प्राप्त कर चुके हैं। चंदन को राजस्थान गौरव रत्न अवार्ड 2019 मिल चुका है। 15वीं नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप फॉर सेरेब्रल पाल्सी पटना बिहार 2019 में 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, जो कि 100 मीटर 200 मीटर दौड़ कर लिए हैं। चंदन एक ऐसे दिव्यांग खिलाड़ी है जो बिना रुके 10 किलोमीटर दौड़ लेते हैं। मेरा नाम चंदन वर्मा है, मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ। मैं को सेरेब्रल पाल्सी नाम की दीदी छोटी है जो बच्चा जन्म देता है तो नहीं, इसके कारण शरीर में पैरालिसिस और शरीर का बैलेंस नहीं बनना होता है। 5-6 साल तक चल नहीं पाया, 10 साल तक बोल नहीं पाया था। और मेरे बचपन में ही 5 साल का था तभी मेरे पिताजी दुनिया से छोड़ के चले गए थे। और मैंने 2015 में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 3 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल जीते थे और स्टेट लेवल पे 3 गोल्ड एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता। और नेशनल लेवल पर पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में मैंने 8 गोल्ड और 7 सिल्वर मेडल जीत चुका हूँ और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता। स्पेन बार्सिलोना में सिटी वर्ल्ड गेम में पार्टिसिपेट किया था। इसके अंदर मेरे को इंडिया टीम की तरफ से मेरे को खेलने का मौका मिला स्पेन बार्सिलोना में। और मैं अभी 16वीं नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप चित्रकूट स्टेडियम में तैयारी कर रहा हूँ ताकि मैं और भी मेडल जीत सकूँ, समाज का नाम रख सकूँ। सुपर सुपर सुपर, मेरी आवाज आ रही है सबको? जी सर। सबको मेरा नमस्ते नेचर। दोस्तों ये वीडियो आपको दिखाया गया, 2 वीडियो थे। पहला एक गाना था, उसमें मोटिवेशंस की कुछ पंक्तियां थी। आप लोग सब सोच रहे होंगे कि मोटिवेशंस की पंक्तियों से क्या होता है, तो मैं आपको इतना बता दूं कि मोटिवेशन वो चीज है जिससे बड़े बड़े युद्ध जीते जाते हैं। मोटिवेशन वो चीज है जो एक मरे हुए इंसान में जान डालने का काम करती है। आप मरे हुए का मतलब लाश से मत समझिए, मरा हुआ इंसान वो भी होता है जो वैचारिक रूप से सोच नहीं पाता। मेरी समझ में मरा हुआ इंसान वो भी होता है जो सपने नहीं देखता। मेरी समझ में मरा इंसान वो भी होता है जिसकी जिंदगी का कोई लक्ष्य नहीं होता। आपने दूसरा वीडियो देखा, एक दिव्यांग राजस्थान का एक छोटा सा गांव से एक उठा हुआ शख्स जिसने गोल्ड मेडल जीत रहे, जिसने सिल्वर जीत रहे, जिसके ऊपर पिताजी का साया नहीं, जिसके ऊपर शरीर का साथ नहीं, उस आदमी ने गोल्ड मेडल जीते हैं। ये अजूबे हैं। और ये अजूबा तभी हो सकता है जब आपके दिल में कुछ कर गुजरने की भावना हो। मैं कुछ चंद पंक्तियों के साथ आज की इस मीटिंग का आगाज करूंगा।
यूं ही नहीं मिलती है राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। अभी आपने देखा होगा कि वो कैसे दौड़ रहा है, जैसे दूर से देखने में लग रहा है कोई शराब पी के आदमी लड़खड़ाते हुए चल रहा है। वो इंसान जिसका शरीर साथ नहीं दे रहा है, दिमाग साथ नहीं दे रहा है, जिसको बोलना ढंग से नहीं आ रहा है, जिसकी पूरी आंखें नहीं खुल रही है, वो दौड़ भी रहा है तो ऐसे लग रहा है जो लड़खड़ा के कभी भी गिर पड़ेगा। ऐसे आदमी इस दुनिया में गोल्ड मेडल जीतते हैं दोस्त। तो मैं चंद पंक्तियों के साथ आज की इस मीटिंग का आगाज करूंगा कि यूं ही नहीं मिलती है राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती है राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मैंने पूछा चिड़िया से, कैसे बनाया तूने घोंसला, तो चिड़िया ने कहा, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो आपको इस दुनिया में कामयाबी के लिए अनवरत प्रयत्न करना पड़ेगा। आज हमारे आदरणीय तिवारी जी एक कामयाब शख्स है अपनी जिंदगी में। आज उनका क्या बताऊं मैं आपको, इंडिया के अलावा कितने देशों में उनका सम्मान है। मैं कल इंदौर गया हुआ था, उनके अजीज मित्र हैं राहुल मारवा जी, वो तिवारी सर के बारे में इतना कुछ मुझे बता रहे थे कि मैं सच बोलूं तो मैं गदगद हो गया कि मैं एक ऐसे शख्स के साथ जुड़ा हुआ हूं जो इतना डाउन टू अर्थ, इतना हम्बल, इतने प्यारे इंसान है जो हर किसी की फिक्र करते हैं। दोस्त, ऐसे आदमी 101% खुद तो शख्सियत होते ही हैं, लेकिन उन दुआओं का, उन आशीर्वाद का भी असर होता है। तो आज की इस मीटिंग लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ये मीटिंग पहले तो सिर्फ अचीवर्स के लिए रखी गई थी, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को एक मैसेज भेजा था कि हम सब लोगों ने रिक्वेस्ट किया सर से कि सबको आपकी इस ट्रेनिंग का फायदा होना चाहिए, तो ये लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम आपकी ग्रोथ के लिए रखा गया है, ताकि आप डायमंड का सफर पूरा कर सकें। और डायमंड का मतलब एक आर्थिक आजादी, एक मान सम्मान, बहुत कुछ मिलता है। तो यहाँ आपको तिवारी सर से ये जानने को मिलेगा कि आप में कैसे एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो सकती है। हर इंसान अपने आप में एक लीडर होता है दोस्त, लेकिन उस इंसान को तराशना पड़ता है। तो आज और कल ये दो दिन हमारा सेशन चलेगा, इस सेशन का भरपूर फायदा उठाइए। और दूसरा, आज कुछ गुड न्यूज आपके पास आने वाली है, और अच्छी बात यह है, मैं आप सब लोगों को बधाई दूंगा कि कल हमारा जो लॉयल्टी प्रोग्राम का जो क्लोजिंग था वो हर बार हर महीने से ज्यादा होता चला जा रहा है। इस बात की खुशी है कि हमारे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं वो बहुत अवेयर लोग हैं। अब मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं दूंगा, मैं कुछ गुड न्यूज, कुछ धमाके और भी बहुत कुछ है, तो मैं अब आप लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनवाइट करूंगा सम्माननीय तारा प्रकाश तिवारी जी को। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच जेपी जी, थैंक यू वेरी मच। काफी एनर्जेटिक और हमेशा की तरह यंग, स्मार्ट, डैशिंग, ऑलवेज गुड 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 गुड। देखिए, आपने कुछ शब्द इस्तेमाल करे कि किसी को भी सफल होने के लिए और एक जुनून की आवश्यकता होती है, तो वो जुनून वाकई बहुत जरूरी है। यही एक डिफरेंस है एक अनसक्सेसफुल और सक्सेसफुल इंसान के बीच में। आज का सेशन मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको अच्छे से अच्छा, जो भी मेरे पास पिछले 15 साल से जो भी मैंने अनुभव लिया वो देने की कोशिश करूंगा। और ज्यादातर चीजें वही हैं जो आपने हजार बार सुनी होगी। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि वही सब चीजें हैं और सफलता की चीजें वही होती है, तो इसलिए उन्हीं सब चीजों को हम फिर से याद करेंगे और फिर से अपने आप को इंस्पायर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो आज की दिन की शुरुआत, शाम की शुरुआत हम करते हैं एक जबरदस्त ऑफर के साथ में। डॉक्टर नेचर लगातार कुछ सरप्राइज देने में बिलीव करता है, कुछ प्लीजेंट सुखद सरप्राइज देने की कोशिश करते हैं हर बार। ऑलरेडी इस मंथ के ऑफर चल रहे हैं, जैसे आपको मालूम होगा हमारा उदर निरोगी पाउडर का एक ऑफर चल रहा है, साथ में हमारा नोनी प्लस जूस का एक ऑफर चल रहा है, हमारे बैग का ऑफर चल रहा है, और फिर हमने सोचा कि क्यों नहीं कुछ एक और ऑफर दिए जाए। एक और ऑफर हमने दिया है, हमारा जो बहुत ही अच्छा च्यवनप्राश है, ये 10 पीस अगर आप बाई करते हैं, खरीदते हैं, तो एक पीस आपको 100% मुफ्त आपको मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छा ऑफर है, जो लोग अच्छा रिटेल करते हैं या अपनी टीम के लिए या अपने ग्रुप के लिए, एटलीस्ट आप जो है एक एक ऑर्डर का ही फायदा उठा सकते हैं। कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा इसका फायदा उठाएंगे। लिमिटेड स्टॉक है और सिर्फ फरवरी मंथ के लिए अप्लीकेबल है, तो इस मंथ आप मैक्सिमम जो है, आपके पास 14 दिन बचे हैं, 13-14 दिन, जितना आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें आप इसका ले सकते हैं। दूसरा, हमारा जो स्टार प्रोडक्ट है काफी इम्प्रूव्ड है, काफी बेटर पैकेजिंग है, काफी और बेहतरीन क्वालिटी हमने इसकी करी है। तो ये जो टूथपेस्ट है ये डेली यूज का प्रोडक्ट है, तो 10 टूथपेस्ट आप लेते हैं तो एक आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलता है।
ये दो हमारे ऑफर हैं आपके लिए, जो आप बाकी के बचे हुए महीने में आप अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। हर इंसान को टूथपेस्ट लगता है, तो आप पर्सनल अपने यूज करने के लिए हर एसोसिएट के 10 टूथपेस्ट ले सकता है, तो 11वां आपको फ्री मिलेगा। तो आपको भी महीने में शायद एक या दो आपकी फैमिली में लगता होगा। और एक और एक चीज जो हम काफी समय से वेट कर रहे थे, सब लोग हमारी टीम में लोगों की एक नीड थी, वो हमारा फेमिसिल्क, नाम भी बहुत अच्छा है, फेमिसिल्क सैनिटरी पैड हमने लॉन्च किया है आज से, और ये कल से सेल में अवेलेबल है, आप ऑर्डर लगा सकते हैं। काफी रीजनेबल प्राइस है, 45 रुपीज मात्र इसकी डीपी है 7 पीस का। मार्केट में हमने लगभग 60-70 प्रोडक्ट्स, इवन ट्रेडिशनल में भी हमने कंपेयर करा, तो ट्रेडिशनल मार्केट में जो आ रहा है एमएलएम तो छोड़िए, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, एक कंपनी का 200 रुपए का भी आता है, और जो फीचर हमारे में है वो भी नहीं है वहां पे। एनी ऑफ फिर भी ट्रेडिशनल से भी बहुत सस्ता है, क्योंकि हमारी इच्छा थी कि इस प्रोडक्ट के ऊपर हम बिजनेस के ऊपर ध्यान ना दें, इसके ऊपर कितना प्रॉफिट है वो हम ध्यान ना दें, बल्कि ये नीड है आज के समाज में। तो हमारी जो माताएं बहनें जो है दूर दराज गाँव में भी, जहां उनको चीजें उपलब्ध नहीं हो पाती है, उनको हमारे एसोसिएट गांव गांव तक छोटे से छोटी जगह पे भी इसको पहुंचाएंगे। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रोडक्ट को आप पहुंचाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। इसकी जो क्वालिटीज हैं उसके बारे में मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। ये एक तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है इसके बारे में वो ये है कि 100% बायोडिग्रेडेबल है, 100% बायोडिग्रेडेबल है, और भारत के अंदर शायद ही कोई अभी ब्रांड हो जो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स अभी दे रहा है। अगर हो भी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत कम ब्रांड्स हैं, और इस प्राइस रेंज में तो पूरे वर्ल्ड में आपको कोई भी बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड नहीं मिलेगा, ये मैं आपको श्योर कर सकता हूँ। बहुत ही ज्यादा सेफ्टी का हमने ध्यान रखा है, 100% कॉटन, वर्जिन कॉटन, मतलब 100% जो है सर्जिकल और जिसको वर्जिन कॉटन बोलते हैं उसका बना हुआ है, और 100% लीक प्रूफ है। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जो चीज है वो है इसमें एलोवेरा जेल इसमें यूज किया गया है, तो ये बहुत ही अच्छा हाइजीनिक सेफ एंटीबैक्टीरियल एंटीमाइक्रोबियल सैनिटरी पैड है, जो कि आपकी लिए कल से ही सेल में उपलब्ध है। तो थैंक यू वेरी मच, ये आज का हमारा प्रोडक्ट लॉन्चिंग रहा, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये आपकी बिजनेस बढ़ाने में मदद करेगा। दोस्तों आप चलते हैं अगले 1 से 1.5 घंटे की जर्नी पे, तो अपना अपना बैटरी जो बैंक है मोबाइल का वो साथ में रख लीजिए, अगर आपका पावर बैटरी का कम हो रहा है तो। बाकी आपकी तो बैटरी मैं तेज करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपके फोन की बैटरी को मैं चार्ज करने का ऑप्शन नहीं है, तो आप वो अपने साथ में रख लें। और साथ ही अगर आपको कोई और इधर उधर जाके आना है 2 मिनट, तो वो भी आप जो है मोबाइल को कैमरा को जो है ऑफ करके आप अपनी जो है जो भी कार्रवाई हो कर सकते हैं, क्योंकि आगे 1-1.5 घंटे में आपको हिलने नहीं देना चाहता। कंसंट्रेशन के साथ में हम एक दूसरे के साथ में रहते हैं, मुझे भी अच्छा लगेगा। सबसे पहले हमने आज एक गाना सुना और एक वीडियो हमने देखा, तो वहां कहीं ना कहीं कुछ चीजें बात हो रही थी, इसीलिए मैंने इस वीडियो को और इस गाने को मैंने आज यूज किया। देखो एक सामान्य इंसान, बल्कि सामान्य नहीं कह सकते, एक जो इंसान जिसकी मैं इस वीडियो में बात करी जाती, चंदन वर्मा उनका नाम है, मेरे ऑफिस से हार्डली 5 किलोमीटर की दूरी पे ये रहते हैं। ये जो चित्रकूट स्टेडियम है मेरे ऑफिस से 4-5 किलोमीटर की दूरी पे है। मैं कुछ चीजें देखता रहता हूँ यूट्यूब पे, फेसबुक पे, आप जैसी चीजें आप देखते हैं वैसे जनरली आपको फेसबुक या यूट्यूब दिखाने लगता है, तो मैं इस तरीके से इंस्पायरिंग या इस तरीके के मोटिवेशनल चीजें देखता रहता हूँ। तो मेरी अचानक से मेरे पास ये वीडियो खुलता है और मैंने देखा इसमें था इसके बारे में, तो मुझे ये चंदन वर्मा के बारे में रात में 12 बजे मुझे ये वीडियो देखने पे पता चलता है, और मैंने सुबह उठते ही इसको कॉल किया, नंबर इनका सर्च करके, और कॉल पे मेरी बात होती थी, बड़ी डिफिकल्ट हो रहा था सामने वाले को बात करने के लिए। जो चंदन वर्मा जी हैं आप समझ सकते हैं, उनको बोलने में स्पीच उनकी क्लियर नहीं है, तो बोलने में काफी उनको दिक्कत आ रही थी। मैंने इनके बारे में सुना और उनको मैंने मदद की पेशकश की कि चंदन जी मैं चाहता हूँ कि आपको कहीं भी किस तरीके की हेल्प की जरूरत पड़ती है, फाइनेंशियली हेल्प की जरूरत पड़े, क्योंकि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं हमारे देश का और जयपुर का आप नाम रोशन कर रहे हैं, तो कहीं भी कुछ हेल्प की जरूरत पड़े तो हम आपके साथ में खड़े हैं, और कभी भी हमें करिए तो मैं आपसे मिलने भी आऊंगा। उन्होंने कहा सर थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपने मुझे फोन किया, और सारी उन्होंने अपनी परिस्थितियां, पारिवारिक परिस्थितियां सब बताई और किस तरीके से स्ट्रगल करके। तो मैंने कहा चंदन जी ये कैसा मतलब कैसे संभव हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि ठीक से आप चल भी नहीं पा रहे और
पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना कोई सामान्य बात नहीं है एक्चुअल में ना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल बार्सिलोना में भी खेल रहे हैं, खेला इन्होंने, उसकी तैयारी कर रहे हैं अभी और जाने की। तो उन्होंने कहा सर मैं बहुत जिद्दी आदमी हूँ। एक बात उन्होंने बोली सर बहुत जिद्दी आदमी हूँ और जो ठान ली वो करता हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार एक जिद जो है किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकती है। ज्यादातर लोगों के साथ बहुत सारे सुख सुविधाएं रहती है, सारी चीजें उनके पास उपलब्ध रहती हैं, फिर भी वो जिंदगी में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। कुछ ना कुछ वो हमेशा कंप्लेन ही करते रहते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। स्कूल जाएंगे तो कहेंगे कि मेरे पास ये नहीं है, कॉलेज जाएंगे तो मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में आएंगे तो मेरा अपलाइन अच्छा नहीं है, मुझे सपोर्ट नहीं है, कंपनी कुछ सपोर्ट नहीं करती, कुछ सेटिंग नहीं देती है, कुछ और ये चीजें नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन। लेकिन कुछ लोग हैं जो एक्चुअल में बिना कंप्लेन करे अपनी अंदर से जो जिद है और जो जुनून उन्होंने पाल रखा है कि मुझे ये करना है, ये एक टारगेट, ये गोल, ये लाइफ के अंदर जो भी अचीव करना है, उसके लिए जो अंदर से इंस्पिरेशन जो आती है वो इंस्पिरेशन ही आपसे कुछ करा पाती है। कुछ गाड़ियां ऐसी होती है जिनको धक्का देना पड़ता है स्टार्ट करने के लिए, राइट। तो आप में से कोई लोग नहीं चाहेंगे कि धक्का स्टार्ट गाड़ी आपको खरीदने को मिले या आपके पास हो, राइट। आप चाहते हैं कि ऑटो मोड वाली गाड़ी मिले, मतलब ऑटोमेटिकली आपने जैसे ही दबाया और वो स्टार्ट हो गई। तो लाइफ में ऐसे ही लोग सबको चाहिए होते हैं और ऐसे ही लोगों को लोग पसंद करते हैं जो सेल्फ स्टार्ट लेने वाले हों। जो धक्का स्टार्ट गाड़ियों को है ना एक्चुअल में गैराज में खड़ा कर दिया जाता है, बाद में स्क्रैप के भाव भेज दिया जाता है। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में या जीवन में जो लोग सेल्फ इनिशिएटिव लेते हैं, सेल्फ स्टार्ट वाले जो लोग रहते हैं, वो लोग आगे बढ़ पाते हैं। तो आपने सुना होगा जिंदगी में कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, राइट। आपने सुना है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब ये आप सब लोग मानते भी होंगे मेरे हिसाब से कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोई है ऐसा जो नहीं मानता है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, सेंटेंस से एग्री ना करता हो, राइट। ज्यादातर लोग मन में ये कह रहे होंगे कि हाँ कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो पहली बात तो ये कि हम लोग कितनी कोशिश करते हैं अपने आप को हम लोग चेक कर लें। हम कह तो रहे हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि हम खुद अपने आप को चेक कर लें कि हम कितनी कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद बात आती है मेरा जो कहना है, या मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, आप भी एग्री करेंगे, मैं आगे बात करूंगा। एक्चुअल में कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये बात वो लोग मानते हैं जो एक्चुअल में मिडिल मेंटेलिटी रखते हैं, मतलब सक्सेस का जिनमें जुनून नहीं है, कह रहे कोशिश तो कर रहा हूं। अभी आपको मैं एक चीज बताता हूं, साधारण सा उदाहरण है कि आपका बच्चा है, वो चाहे 12वीं में पढ़ रहा हो, 10वीं में पढ़ रहा हो, 12th में हो, चाहे वो 2nd क्लास में हो, आप उससे पूछेंगे बेटा पास हो जाएगा? हाँ पापा कोशिश तो करूंगा, राइट। आपकी पत्नी कहेगी साड़ी लेके आओगे आज? कोशिश करूंगा। तो आप क्या सोचोगे, अरे नहीं भाई कोशिश नहीं करना भैया, पक्का लेके आना है, ऐसा नहीं है, राइट। आपके डाउनलाइन कहते हैं मैं इसमें पूरी कोशिश करूंगा, ब्रॉन्ज बनूंगा, सिल्वर बनूंगा, रूबी बनूंगा, डायमंड भी बनूंगा बोल देते हैं। ज्वाइन करके 10 दिन हुए, कहता है अगले महीने डायमंड बनूंगा, कोशिश पूरी जारी है। तो कोशिश से नहीं होता एक्चुअल में, हमें लाइफ के अंदर हमेशा 100% कॉन्फिडेंट होना पड़ता है कि हाँ मैं करूंगा ही। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हाँ मैं करूंगा ही, तो आपका दिमाग आपका साथ देता है वो 100% करने में। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं थी, इस सेंटेंस को आप भूल जाइए। अगर जिंदगी में बस ज्यादा सक्सेसफुल होना है, थोड़ा सा सक्सेसफुल होना है तो चलेगा। किसी से आपने उधार में पैसे दिए हुए हैं, उससे बोले भैया कब देगा? कोशिश करूंगा अगले महीने। आपको कितना बुरा लगता है, अरे 4 महीने से कोशिश कर रहा है, इसकी कोशिश पता नहीं कब पूरी होगी, राइट। तो आपको लाइफ में कोशिश करने वालों की जरूरत नहीं है, आप लोगों को जिद्दी लोगों की जरूरत है जो हाईली कॉन्फिडेंट है। और आप खुद अगर हाईली कॉन्फिडेंट है, आपने 100% नहीं बल्कि 200% आप डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं कि ना मैं तो करूंगा ही। भारत पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच हो रहा है और एक 4 बॉल बची है, 2 रन चाहिए, और वहां खिलाड़ी जब जा रहा है तो वो पवेलियन में जाने से पहले वो कहता है कि उसको लोग बोलेंगे भाई जिता के आना, हाँ भाई कोशिश तो करूंगा भाई, चलेगा नहीं, अरे जीत क्या होगा भैया, चौका मारूंगा। वो कॉन्फिडेंस लेके जाएगा तो मारेगा, अगर नहीं लेके गया ना तो कुछ नहीं कर पाएगा, वो कोशिश ही करता रह जाएगा और वो कई मैचों के बाद कोशिश करता करता टीम से बाहर भी हो जाता है। आपको एक और उदाहरण देने की कोशिश करता हूं। सर्कस आपने देखा होगा बचपन में, देखा होगा, आजकल थोड़े कम होंगे,
सर्कस में एक लड़की खड़ी रहती है और सामने एक लड़का रहता है, लड़की के सर पे एक एप्पल रख दी जाती है। अब मान के चलो कि इस लड़की की जगह आप हो और सामने एक लड़का खड़ा है, वो लड़के के हाथ में बहुत शार्प नाइफ है, तीखा सा चाकू है, बड़ा सा चाकू है। अब वो लड़के का काम यह है कि वो लड़की के सर के ऊपर या आपके किसी के सर के ऊपर जो एप्पल रखी है उस एप्पल को उसको मारना है चाकू से। अब वो लड़की या जो भी इंसान है सामने, वो कॉन्फिडेंट, वो आराम से खड़ा है, वो सामने बड़ा सा चाकू लेके खड़ा है, तब तक एक जना और आता है और लड़के की आंख पे पट्टी बांध देता है जिसके हाथ में चाकू है। अब उस लड़के से पूछा जाता है कि 100% मारेगा ना, वो कहेगा हाँ कोशिश तो पूरा करूंगा। वो लड़का कहता है पूरा कोशिश करूंगा एप्पल को मारने की। अब सामने जो लड़की खड़ी है एप्पल सर पे रख के, उसकी स्थिति क्या हो रही होगी? क्या आप वहां खड़े रहना चाहेंगे उस लड़की की जगह कि सामने वाला कोशिश करेगा? कोशिश के चक्कर में किसी की गर्दन उड़ जाएगी, राइट? वो 100% श्योर होता है, बल्कि 200% श्योर होता है कि एप्पल को ही मारूंगा, क्योंकि अदरवाइज कोई भी मर्डर का केस में जाने के लिए, अंदर जाने के लिए कोई भी ऐसी ट्राई नहीं करेगा कभी भी। तो लाइफ में कोशिश का फंडा छोड़िए आज से। मेरा कहना ये पर्सनली आपसे निवेदन यही है कि हमको कोशिश नहीं करनी है, हमको 100% करना है। ये एटीट्यूड हमेशा रखना है, क्योंकि जिद करने वाले ही दुनिया बदलते हैं। जिद करो, दुनिया बदलो, ये चीज को आप याद रखिए, क्योंकि जिद से ही दुनिया बदलती है, कोशिश करने से नहीं बदलती है। बहुत सारे उदाहरण हैं, अभी आपने जैसे इनका चंदन वर्मा जी का उदाहरण देखा, अगर ये जिद नहीं करते तो मुझे नहीं लगता कि ये कोशिश करने से पहुंच सकते थे, कि कोशिश तो बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन सफल नहीं होते हैं। हर इंसान चाहता है मुकेश अंबानी बनना, हर इंसान कोशिश करता है वो सफल हो, हर इंसान पैसे वाला बनना चाहता है लेकिन नहीं बनता है, बिकॉज वो कोशिश करता है, प्रॉब्लम ये है। बहुत सारे और उदाहरण की बात करूं तो आपने नाम सुना होगा एक जो धावक है जो तेज रेस लगाती है और गोल्ड मेडल उन्होंने जीते हैं ओलंपिक में, उनका नाम है विल्मा रिडोल्फ। विल्मा रिडोल्फ वो भी बचपन से पोलियो की शिकार थी, जब वो पैदा हुई तभी से पैदाइशी उनको पोलियो का प्रॉब्लम था, लेकिन उन्होंने एक जिद पकड़ी कि मुझे चलना है, मुझे दौड़ना है। उन्होंने उस जिद का पीछा किया और वो उठी, खड़ी, गिरी, चली, फिर गिरी, फिर उठी, फिर गिरी और फिर दौड़ी, तो ऐसी दौड़ी कि उसने जो है ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। एक बार नहीं, दो दो बार जीता। ऐसे बहुत सारे दुनिया में उदाहरण है। एक उदाहरण हमारे देश के ही बहुत बड़े नेता या राष्ट्रपिता जिनको कहते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी को एक बार ट्रेन से फेंक दिया गया था साउथ अफ्रीका में। आप सब जानते हैं इस कहानी को, कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आज बताने की आपको कोशिश करता हूं। महात्मा गांधी को जब ट्रेन से फेंक दिया गया तो उन्होंने कहा मेरे पास टिकट है, मुझे क्यों फेंक दिया गया? महात्मा गांधी को उन्होंने कहा कि ये जो ट्रेन का डब्बा है जो फर्स्ट क्लास का, यहाँ पे सिर्फ गोरे लोग बैठ सकते हैं, अंग्रेज लोग बैठ सकते हैं, तुम लोग नहीं बैठ सकते। महात्मा गांधी ने उनको कहा और गुस्से में कहा कि तुमने मुझे ट्रेन से फेंका है, मैं तुमको मेरे देश से बाहर फेंक के रहूंगा, और ये सोच के वो देश में आ गए। अदरवाइज वो जिद और वो प्रण नहीं लिया होता तो वो भी एक साधारण वकील की तरह वकालत कर रहे होते, आज उनको हम और आप इस तरीके से याद नहीं कर रहे होते। इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण है। मलाला जो पाकिस्तानी एक लड़की है 12 साल की, उसने जिद करी कि मैं पढ़ूंगी 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 और उसको गोली मार दी गई, 3 गोलियां मार दी गई, उसके बावजूद भी वो वापस से जब ठीक हुई उसके बाद भी उसने डिसाइड किया कि वो पढ़ूंगी और आतंकवादियों से नहीं डरूंगी, तो आज हम लोग उसके बारे में जानते हैं, उनको नोबेल पीस अवार्ड भी जो है मिला गया। इस तरीके से अनेकों अनेकों उदाहरण है, सचिन तेंदुलकर है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जिद करके अपनी जो है जिंदगी को बदला, और इसीलिए उनको जाने के बाद भी ये दुनिया याद करती है, बिकॉज जो जिद करते हैं तो उनका बिलीव, उनका विश्वास बहुत ज्यादा अटल हो जाता है, और जब विश्वास अटल हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, तो उनका एटीट्यूड भी स्ट्रांग हो जाता है। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं। तो आज हम बात करेंगे एक्चुअल में सफलता के लिए क्या चीजें चाहिए होती है इंसान को, क्या ऐसी चीजें हैं जिससे बहुत सारे लोग सफल हो जाते हैं, बहुत सारे लोग असफल हो जाते हैं, बल्कि असफल ज्यादा लोग हैं, सफल कम लोग हैं। इसके बहुत सारे रीजन हैं। सबसे पहली बात करूं तो बेसिक फंडामेंटल्स, या मतलब बेसिक जो चीजें हैं उनको आप याद रखिए, वो आपको सफलता में और इवन असफल नहीं होने देने में आपकी मदद करेंगे, आपके दिमाग को स्ट्रांग करेंगे। उन चीजों के बारे में आप बात करते हैं। सबसे पहली चीज है कि आप बहुत सारी मेहनत करते हैं, कई बार आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं, राइट? आपने बहुत लोगों को इनवाइट किया, आज की मीटिंग के लिए भी किया होगा, आपने फोन किया होगा, आपके डाउनलाइन को किया होगा, बहुत सारे लोग नहीं आए, बुलाने के बावजूद भी नहीं आए। कई लोग कहते हैं ट्रेनिंग नहीं कराते, ट्रेनिंग नहीं कराते,
हमको कब ट्रेनिंग मिलेगी, उनसे पूछा जाए तू पिछली ट्रेनिंग में आए थे, नहीं पिछली ट्रेनिंग में तो कुछ काम था सर मेरे को, रास्ते में था। अच्छा उसी पिछली में, उससे पिछली में सर घर में शादी थी। वो इंसान पूछता है ट्रेनिंग नहीं कराओगे क्या, ट्रेनिंग नहीं कराओगे क्या। आज भी आपने हमको बुलाया होगा, आज भी बहुत बार उनको व्हाट्सएप मैसेज करे होंगे, मैंने भी करे हैं, आपने भी करे हैं, सब टीम ने करे हैं, लगातार मैं ग्रुप्स में देख रहा था बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग नहीं आते। इसका कारण क्या है? इसका कारण कुछ भी नहीं है, ये नेचर का लॉ है, ये मिस्ट्री भी बोलते हैं, मिस्ट्री ऑफ माइंड्स, दिमाग की मिस्ट्री है, जिसका रहस्य है, जिसके बारे में कोई जान नहीं पाया है। और इसको आप समझिए, इसको एक्सेप्ट करिए सच्चाई को, कि आपको ज्यादा सफल होना है तो आपको और ज्यादा लोगों से मिलना पड़ेगा। बिकॉज क्या होगा कि आप 10 को बुलाएंगे तो शुरू में एक आएगा, धीरे 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 आपका इन्विटेशन स्किल भी बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। आगे हम बात करेंगे कुछ चीजें और जो बढ़ेगी, उसके बाद 10 में से 2 लोग आएंगे, बाद में 10 में से 3 आएंगे, 10 में से 4 आएंगे और 10 में से 5 आएंगे। और मैं कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री भी फोन करके बुलाए या भगवान अल्लाह गॉड भी बुलाए तो भी 100 में से 100 नहीं आएंगे। ये मिस्ट्री है, ये ही रहस्य है, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा इस सच्चाई को। तो कभी भी ये मत सोचिए कि डिसअपॉइंट मत होइए कि मैंने बहुत लोगों को बुलाया है। डॉक्टर नेचर की भी बात करूं तो मुझे भी मालूम है कि इस सिद्धांत ये अप्लाई होता है। उदाहरण के तौर पे हमारे पास लगभग 12-13 हजार से ज्यादा लोग हैं जो डॉक्टर नेचर में जुड़े हुए हैं। अब हमने हमारी प्रोडक्ट बुक जो है एक प्रिंट करवाई, ये प्रोडक्ट बुक है हिंदी में, बहुत समय से इसकी डिमांड थी सर प्रोडक्ट बुक मिलनी चाहिए, प्रोडक्ट बुक मिलनी चाहिए। जरूरी भी है, बिल्कुल जरूरी है, इसके बिना बहुत मुश्किल होती है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, अब इंग्लिश में और बेटर तरीके से आ रही है। हमने PDF तो इसके तेलुगु में बना दिए, मराठी में बना दिए, बिजनेस प्लान नहीं है, बिजनेस प्लान नहीं है बोलते तो बिजनेस प्लान हमने बना दिया। तो इस बुक को जब प्रिंट करने की बात आई तो हमारे स्टाफ ने मुझे पूछा कि सर कितनी कॉपीज प्रिंट करें, क्योंकि हमारे पास 12-13 हजार लोग हैं, उससे ज्यादा लोग हैं, तो हर आदमी को एक एक तो लगेगी, एक एक तो लोग ऑर्डर करेंगे ना, ये नेचुरल है, क्योंकि इतने लोग हैं तो एक एक को तो एक किताब चाहिए, बल्कि एक एक आदमी को 100 भी चाहिए होती है, क्योंकि उसको बहुत सारे लोगों को उसको देना होता है, कई बार किसी लीडर को या किसी डॉक्टर को या किसी न किसी को अपने गेस्ट को देना होता है। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, अभी एक बार इसकी 3-4 हजार कॉपी ही बनाइए, ठीक है, 3-4 हजार कॉपी ही प्रिंट करो। मेरे स्टाफ ने मुझे कहा भी कि कम पड़ेगी, मैं आपको सच बताता हूँ, मेरा अनुभव ये कहता था और उसी के आधार पर सच हुआ, वो 3-4 हजार कॉपी भी जो है हमारे पास सफिशियंट हो गई, क्योंकि मुझे मालूम था लॉ ऑफ एवरेजेस, मिस्ट्री ऑफ माइंड्स के बारे में मुझे पता था कि ऐसा होता है, तो मैंने कम प्रिंट कराई और उससे काम चले गया। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, इसको आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लाइफ का एक नेचुरल रूल है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भी इस तरीके की जो मीटिंग है जो आज हो रही है, उनसे पूछा जाता है कि आप क्यों नहीं आते, तो उनका कहना होता है कि सर इस तरीके की मीटिंग जो है वो बहुत बार होती रहती है, बहुत जगह होती है, हम इवन इंटरनेट पे, यूट्यूब पे इस तरीके के मोटिवेशनल वीडियोस और ट्रेनिंग्स और किताबें सब कुछ अवेलेबल है, ये हम लोग वहां देख लेते हैं। बहुत सारे लोग मन में सोच रहे होंगे कि ऐसा होता है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि तुम वही काम कई बार 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 करते हो, जैसे रोज तुम खाना खाते हो, रोज ब्रश करते हो, कल भी तो किया था, आज क्यों करना जरूरी है, कल भी तो फ्रेश होने गए थे, आज क्यों जरूरी है, कल भी तो नहाए थे, आज क्यों जरूरी है, राइट। लेकिन ये उन लोगों को समझ नहीं आता है, क्योंकि बार बार रिपीट किसी चीज का करते हैं तो आपके दिमाग में वो आदत बन जाती है करने की, और आप बार बार मीटिंग में आएंगे, कुछ अच्छी चीजें सुनेंगे, चाहे वो प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग हो, चाहे बिजनेस के बारे में ट्रेनिंग हो, चाहे कोई और हमारे ब्रेन को डेवलप करने के बारे में ट्रेनिंग हो, अगर वहां जाते हैं तो हमारे स्किल्स में निखार आता है। लेकिन कुछ लोग, जैसे मैंने कहा, ये मिस्ट्रीज ऑफ माइंड है, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो बहुत सारे लोग कहते थे, मैं एलोवेरा की बॉटल जो है वो एग्जीबिशन में लेके जाता था, वहां डिस्प्ले करता था कि मेरे पास एलोवेरा जूस है, ये पीजिए। बहुत सारे लोग कहते, अच्छा एलोवेरा इसको क्या कहते हैं, हमारे राजस्थान में बहुत सारे लोग इसको गवार पाठा कहते हैं। अब ये तो हमारे खेत में लगा हुआ है, हमारे घर में गमला लगा हुआ है, उसमें भी एलोवेरा लगा हुआ है, इसके क्या क्या फायदे हैं भाई साहब, मैं बताता साहब, इससे पेट साफ रहता है, स्किन अच्छी रहती है, एंटी एजिंग है, वो
भाई साहब ठीक है, तो हमारे गमले में लगा हुआ है साहब, मॉर्टल नहीं खरीदेंगे। लेकिन वो लोग वो घर में भी नहीं खाते हैं, वो गमला लगा हुआ है, बरसों से लगा हुआ है, एक गमला लगा हुआ है, लेकिन वो घर पे नहीं खाते हैं। यही मिस्ट्रीज ऑफ माइंड है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं किताब पढ़ लूंगा, मीटिंग में नहीं आया। ऐसे किताब भी बहुत सारे बड़े बड़े स्पीकर्स हैं, बड़े बड़े मोटिवेशनल ट्रेनर्स हैं, हाँ बहुत सारे लोग पैसा लेके इस तरीके के इवेंट कराते हैं, 1,000, 2,000, 10,000, 40,000, 50,000 भी लेते हैं, बहुत सारे इवेंट करते हैं। कुछ लोगों के यूट्यूब पे वीडियो हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि वहां अवेलेबल है, हमें मीटिंग में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वो यूट्यूब पे भी ऐसी चीजें नहीं सुनते हैं। इसकी वजह से ही कहीं ना कहीं वो अटके हुए हैं अपनी जिंदगी में, जिनको जहां नहीं होना चाहिए था वहां अभी भी हैं। तो इस चीज को आप स्वीकार करिए, ऐसा होता रहेगा जिंदगी के अंदर, आपके बिजनेस में। आपको कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, क्योंकि आप अपनी टीम को बोलेंगे कि मीटिंग में आना है, ये करना है, प्रोडक्ट यूज करना है, आपको बुक लेनी है, बहुत सारी चीजें आप कहते रहेंगे, लेकिन फिर भी नहीं करेंगे। तो आपको करना क्या होगा, नंबर बढ़ाने होंगे, आपको इन्विटेशंस के नंबर बढ़ाने होंगे, क्योंकि ऐसे लोग तो लगातार बने आपको मिलते रहेंगे, इन ऐसे लोगों की कमी नहीं है इस दुनिया में। उसके बाद जो सेकंड चीज आती है, जिसको आपको समझना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए, बी प्रोफेशनल ऑफ योर वर्क ऑफ द बिजनेस। आपका जो भी व्यवसाय है, जो भी बिजनेस है, जो भी आप कर रहे हैं, उसमें आप प्रोफेशनल बनिए। प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है, आप समझ रहे हैं? प्रोफेशनल मतलब बहुत ज्यादा व्यक्ति जो है अपनी चीजों को ठीक से करता है, डिसिप्लिन से करता है, वो लोग प्रोफेशनल होते हैं। प्रोफेशनल के कुछ उदाहरण, जैसे कि डॉक्टर, डॉक्टर को बोलते हैं कि ये प्रोफेशनल्स हैं। इंजीनियर जो है, सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, सीएस, ये लोग प्रोफेशनल होते हैं। बहुत बड़े बड़े लॉयर के पास जाते हैं आप, तो बहुत कहते हैं कि बहुत प्रोफेशनल लॉयर हैं, है? तो आप उनके पास जाते हैं, बड़ी बड़ी फीस देते हैं। अब ये प्रोफेशनल लॉयर बने क्या, कैसे, और उन्होंने किया क्या, क्या क्या चीजें करते हैं साहब ये लोग? ये लोग सबसे पहले तो पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई से पहले खैर एडमिशन लेना पड़ता है अगर डॉक्टर बनना है तो। अब बहुत सारे डॉक्टर यहाँ पे होंगे, हमारे डॉक्टर पंकज हैं, अभी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, उनको डॉक्टर ऐसे ही तो नहीं बना दिया जाता। सबसे पहले वो कॉलेज में जो भी इंस्टीट्यूट है वहां पे दाखिला लेते हैं, बीएमएस करना है, एमबीबीएस करना है, उसके लिए बहुत दिनों तक, पहले तो 12वीं तक की पढ़ाई करते हैं, उसके बाद बहुत दिनों तक तैयारी करते हैं। कुछ लोग एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार अटेम्प्ट करते हैं, और कुछ लोगों को उसके बाद भी नहीं होता, लेकिन कुछ लोग उसमें से डॉक्टर बन जाते हैं। बन जाते हैं मतलब एडमिशन हो जाता है। एडमिशन होने के बाद उनको 3 साल 4 साल पढ़ना पड़ता है, उसके बाद वो पीजी करते हैं, कुछ और एडवांस कोर्सेज करते हैं, तब जाके वो डॉक्टर बनते हैं। डॉक्टर बनने के दौरान भी वो जो है लगातार कॉलेज में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, एग्जाम देते हैं। उसके बाद जब वो डॉक्टर बन जाते हैं, तो क्या वो डॉक्टर बनते ही उनको बहुत बड़ी सैलरी मिलने लग जाती है? क्या पेशेंट्स की लाइन लग जाती है? क्या कोई वकील जो है, नया वकील बनता है लॉ करके, तो क्या उसके चैम्बर के बाद लाइन लग जाती है क्लाइंट्स की? नहीं, उसके बाद उनको बहुत सारा एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। किसी बड़े डॉक्टर के साथ में ये काम करते हैं, आपने देखा होगा ना, जूनियर डॉक्टर्स बड़े डॉक्टर साहब के पास बैठे रहते हैं, डॉक्टर साहब क्या लिख रहे हैं पेशेंट को, क्या पूछ रहे हैं, क्या दवाई लिख रहे हैं, क्या कॉम्बिनेशन लिख रहे हैं। इसी तरीके से बड़े वकील के साथ में छोटे वकील, जो नए वकील बनते हैं, उनके साथ बैठ के बड़े वकील साहब की फाइलें जमाते हैं, किताब निकाल के देते हैं, उनके साथ पेशी में जाते हैं, उनकी दलीलों को सुनते हैं। काफी लंबे समय तक अनुभव लेने के बाद उनके पास क्लाइंट खुद के पास आने लगते हैं। ऐसे ही ज्यादातर जिंदगी में ज्यादातर लोगों के साथ होता है। अब आप उदाहरण के तौर पे देखिए कि जिंदगी में हम लोग क्या करते हैं। हम लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं, तो हम सोचते हैं कि पहले ही दिन जो है हम 10-20 डाउनलाइन बना डालें, एटलीस्ट 2-4 बना डालें। अब वो नहीं बनती है, लोग हमारी सुनते नहीं है, मीटिंग में बुलाएं तो आते नहीं है, ट्रेनिंग में बुलाएं तो आते नहीं है, कहते हैं मेरे अपलाइन से मिल ले भाई, चल ले मेरे साथ, वो आता नहीं है। अरे कंपनी का MD बैठा हुआ है, वो बुला रहा है, उसके मिलने चल के, नहीं भाई तू भी नहीं आता है। तो आप, जैसे मैंने कहा, ये तो मिस्ट्रीज ऑफ माइंड है, ऐसा होता है। लेकिन बहुत सारे और फैक्टर हैं, जैसे जैसे आपके इन्विटेशन स्किल बढ़ते हैं, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो लोग ज्यादा आने लगते हैं। आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, यानी कि पहले आपको एजुकेशन लेनी पड़ेगी, शिक्षा लेनी पड़ेगी नेटवर्क मार्केटिंग की।
आपको इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है तो ये एक दिन के गेम के लिए नहीं आए कि एक महीने के लिए शौकिया तौर पे नेटवर्क मार्केटिंग करनी है। बहुत सारे लोग शौकिया तौर पे नेटवर्क मार्केटिंग करने आते हैं, कंपनी चली तो ठीक, प्रोडक्ट चला तो ठीक, कंपनी में पैसा आया तो ठीक, चेक आया तो ठीक, नहीं आया तो दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी, ऐसा बहुत सारे लोग बहुत सारे सालों से कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि एक्चुअल में वो किसी भी कंपनी में काम उन्होंने किया था या कर रहे हैं तो क्यों सफल नहीं हो पाए हैं। मेरे हिसाब से मेन कारण रहा होगा एजुकेशन, क्योंकि डॉक्टर या इंजीनियर या सीए या लॉयर, इनको भी 4-5 लाख रुपए या इवन 1 लाख रुपए महीना कमाना बहुत बड़ी बात है। मेरे बहुत सारे मित्र हैं डॉक्टर्स जो स्टार्टिंग में इन्होंने जब डॉक्टर बने तो 1 लाख रुपए उनको सवाल ही नहीं मिलने का, राइट। बहुत सारे डॉक्टर्स जब स्टार्टिंग में बनते हैं या लॉयर बनते हैं तो उनको 10-20 हजार रुपए महीने का आता है, और यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में जो कि इतनी बड़ी संभावना का क्षेत्र है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मिलियनेयर आज नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग या जो भी ये सिस्टम है पावर ऑफ डुप्लीकेशन का, उसके उसको यूज करके दुनिया में सबसे ज्यादा मिलियनेयर सभी दुनिया में मौजूद हैं। तो इस तरह की जिंदगी जहां पे हम बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज जगवार और बड़ी बड़ी गाड़ियां और फॉरेन वेकेशन और बड़े बड़े चीजें हम लाइफ में करना चाहते हैं, उसके लिए एजुकेशन नहीं लेना चाहते, ये सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है। तो हमको सफल अगर होना है तो आपको एजुकेशन के लिए समय देना ही पड़ेगा, आपको अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेगी, जो सफल लोग हैं उनसे सीखना ही पड़ेगा, आपके जो अपलाइन है उनसे सीखना ही पड़ेगा, और जो भी आपको तरीका मिलता है सीखने का अपने आप को एजुकेट करते जाइए और सीखते जाइए। उदाहरण के तौर पे आपने अपने किसी दोस्त को फोन किया जो आपका बहुत खास दोस्त है, इवन आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपका साला हो सकता है, जीजा हो सकता है, साली हो सकती है, आपका मामा हो सकता है, उनका फोन करते हैं बड़े एक्साइटेड, मामा जबरदस्त प्लान आया है, डॉक्टर नेचर आई है, दुनिया बदल जाएगी, अभी तो बस जबरदस्त मार्केटिंग प्लान आ गया है जिसमें 100% बीवी का डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें प्रोडक्ट जबरदस्त है, डायबिटीज की बीमारी तो यूं चुटकियों में चली जाती है, मोटापा ऐसे खत्म हो जाता है, हार्ट के ब्लॉकेज खुल जाते हैं, जोड़ों का दर्द ठीक करने के लिए हमारे पास पीड़ांत आ गया, सारी चीजें आपने बताई, और आपने बताया भी हमारे जेपी शर्मा जी हैं, हमारे ब्रजेश जी हैं 2.5-3 लाख रुपए के चेक आ रहे हैं, सनी सिंह जग्गी बिल्कुल यंग हैं, उनके 70-80 हजार रुपए के पे आउट बन रहे हैं, हमारे अजीत जी हैं, ऐसे बहुत सारे आप चीजें आप बताएंगे, वो कहता है भाई मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। आपके मामा हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, वो कहते हैं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। आप कहेंगे मामा मामा मेरे पे विश्वास नहीं करता, मामा मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं, मैं सही बता रहा हूं, मैंने खुद देखा है जेपी शर्मा जी का चेक, मैंने खुद बहुत लोगों को देखा है, मैंने देखा है तिवारी जी को बहुत सालों से काम कर रहे हैं, मैंने खुद फैक्ट्री देखी है, सारी चीजें सच्ची है, मेरे पे विश्वास करो, ज्वाइन करो। आपका दोस्त या आपका मामा वो कहते हैं कि नहीं, हम काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको फिर से मैं कहूंगा कि आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है, बिकॉज इट इज अ प्रोसेस, ऐसा होता ही रहेगा आपके साथ में। ये आपके साथ कम होगा जब आप एजुकेशन ले लेंगे, जब आप ट्रेनिंग ले लेंगे। उदाहरण के तौर पे आपका एक बहुत अच्छा मित्र है, बहुत ही क्लोज मित्र है, जैसे मेरे राहुल जी हैं, करण जी हैं, जेपी शर्मा जी, ऐसे हमारे बिल्कुल कोई भी आपका दोस्त कोई भी हो सकता है, अभी यशपाल बुंदेला जी हैं, इनके कोई मित्र हैं, कुंवर जी हैं, दोनों दोस्त बिल्कुल साथ साथ में काम करते हैं। अब क्या हुआ कि किसी एक दोस्त को रात में 12 बजे पेट में दर्द हुआ और किसी से कंसल्ट किया डॉक्टर पंकज जी से, पंकज जी कहते हैं हो सकता है अपेंडिक्स हो गया होगा, हो सकता है इनको हर्निया हो गया होगा और उनको इतना तेज दर्द हो रहा है, या किडनी में स्टोन हो गया होगा, गाल बेडर में स्टोन हो गया होगा, बहुत भयानक पेन है, तो अभी इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब आपका दूसरा दोस्त जो है तुरंत रसोई में भागता है, चाकू लेके आता है कि लेट अभी का भी निकालूंगा तेरा, अभी का अभी तेरा हर्निया काट के बाहर निकालता हूं। क्या आप कटवाएंगे उससे? क्या आप उसको अपना ऑपरेशन करने देंगे? कोई भी नहीं करने देगा, आपके दोस्त भी नहीं कर, आपका सगा भाई भी, आपका दोस्त भी, बहन भी ऑपरेशन नहीं करने देगा, बिकॉज उनको मालूम है ये डॉक्टर नहीं है, इसने एजुकेशन नहीं ली है, इसने डिग्री नहीं ली है, ये सर्टिफाइड नहीं है, इसका अनुभव नहीं है, इसने इससे पहले किसी का ऑपरेशन नहीं किया है, वो सब चीजें उनको मालूम है। जब आप नए नए नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करते हैं तो लोगों को भी यही लगता है कि ये फिलहाल
सर्टिफाइड नहीं है, इसकी नॉलेज नहीं है, आपके बात करने के तरीके से ये धीरे धीरे आपके अनुभव से एक्सपीरियंसेस से लोगों को पता चलने लगता है कि ये इंसान को कितना नॉलेज है। तो सबसे पहले जो कि हम प्रोडक्ट्स के बारे में डील कर रहे हैं, हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में डील करते हैं, एलोवेरा है, आंवला है, बहुत सारी चीजें, तो पहले तो आपको उनके बारे में नॉलेज बढ़ानी होगी, आपको सर्टिफाइड बनना होगा। एक डॉक्टर एक सर्टिफाइड डिग्री धारक है, एक लॉयर एक सर्टिफाइड है, वैसे ही आपको प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज लेना चाहिए और तरह तरह के सर्टिफिकेशन लेने चाहिए, अपने आप को सर्टिफाइड कराना चाहिए। उसके लिए हमने IES यूनिवर्सिटी भोपाल से एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम आपके लिए चला रखा है। जितने ज्यादा सर्टिफिकेट होंगे, कल को आज 2-3 साल के बाद आप अपने मामा को, अपने जीजा को, अपने रिश्तेदार को बोलते हैं कि मेरे पास शुगर बैलेंस प्रोडक्ट है, और आप उठा के ऐसे 40-50 सर्टिफिकेट उनके सामने डालते हैं कि ये देखो, ये सर्टिफिकेट इसमें लिया है, ये सर्टिफिकेट इसमें लिया है, ये सर्टिफिकेट इसमें लिया है। मैं टीपी तिवारी जी की बात नहीं कर रहा, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, आई एम अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट। तो वो आपकी बात में दम होता है, और जब दम होता है तो सामने वाला सुनता है। तो ये चीज आपको करनी चाहिए। इसी तरीके से जिस दिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप सर्टिफाइड हो जाओगे, मेरा मतलब है जितने ज्यादा ट्रेनिंग अटेंड कर लोगे, हर बार नया कुछ सीखने को मिलता है, बल्कि जो सीखा हुआ है उसको रिवीजन करने को मिलता है, हमारे दिमाग में खोपड़ी में सॉफ्टवेयर में घुसता है, तो वो चीजें जो ताजा ताजा जो घुसी है ना आपके सॉफ्टवेयर में, वो एक्चुअल में ज्यादा आपके सामने आती है, उनको ज्यादा आप वार्तालाप में बातचीत में इस्तेमाल करते हो। तो आप धीरे धीरे सर्टिफाइड नेटवर्क मार्केटिंग के लोग जिस दिन बन जाओगे, तो लोग आपसे अपॉइंटमेंट लेके आपके पास आएंगे कि यशपाल जी मैं आपके पास आ जाऊं क्या? खैर आपके पास तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है तो आपके पास आते हैं, लेकिन बहुत सारे जो नए लोग हैं जिन्होंने नया बिजनेस ज्वाइन किया है उनके पास ये समस्या आती है। लेकिन जिस दिन वो ट्रेंड हो जाते हैं तो लोग फोन करेंगे कि भैया मैं नेटवर्क मार्केटिंग डॉक्टर नेचर ज्वाइन करना चाहता हूं, आप कब मिल सकते हैं? वो स्थिति आपकी जब होगी जब आप एजुकेशन लेंगे, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, क्योंकि हमको तरह तरह के लोगों से डील करना है। देखिए, डॉक्टर को एक ही तरीके के पेशेंट के साथ डील करना है, किडनी का डॉक्टर है, अब आपको लिकोरिया का प्रॉब्लम हुआ है आपके किसी जान पहचान वाले को, तो क्या किडनी वाले डॉक्टर के पास लेके जाएंगे? और लेके भी गए तो मना कर देंगे ना कि नहीं नहीं मैं तो नहीं जानता, मतलब आप रेफर करेंगे वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए भैया। हार्ट का डॉक्टर है, अब उसके पास जाएंगे कि साहब मेरी किडनी में दर्द हो रहा है, अरे तो भैया वो डॉक्टर साहब कहेंगे भैया ये डॉक्टर साहब हैं उनके पास चले जाइए, मेरा काम है हार्ट के बारे में डील करना। लेकिन हम हमारे देश में क्या है, हर चीज की नॉलेज हमको है, हम ज्यादा कोई भी चीज नेटवर्क मार्केटिंग हमने ज्वाइन करी नहीं डॉक्टर नेचर और पहले दिन डॉक्टर बन गए, हम तो ये प्रोडक्ट ले देंगे ये प्रोडक्ट दे देंगे, ऐसा नहीं करना है, एजुकेशन लेनी है। इसलिए अपने आप को समय देना पड़ेगा इस इंडस्ट्री में, और समय के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, पेशेंस धैर्य रहना चाहिए, आपको डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए कि मेरे से ये काम नहीं हो रहा है, बिकॉज इट इज अ प्रोसेस, इस प्रोसेस में समय लगता ही लगता है, और आपको तो कई प्रकार के लोगों से डील करना पड़ता है, इसलिए आपको समय देना पड़ेगा और साथ में आपको सैक्रिफाइस भी करना पड़ेगा। सैक्रिफाइस क्या करना पड़ेगा, जब आप समय दे रहे हैं लर्निंग में, एजुकेशन में, नेटवर्क मार्केटिंग में, मीटिंग्स में, अभी हो सकता है आप लोग मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं, आज बहुत सारे शादियों के सावे हैं, मुझे जहां तक पता है कई जगह बहुत शादियां हो रही है, तो बहुत सारे लोगों ने सैक्रिफाइस किया है शादियों का, मतलब इनविटेशन मिला था। हमारे राजस्थान में तो जीमण के बहुत शौकीन है, मतलब जीमण खाने को मिलेगा, आज अच्छे अच्छे पकवान मिलेंगे, कई पेट के पुजारी होते हैं, और कई लोगों को सोशलाइज करने की बड़ी आदत होती है कि मैं बहुत सोशल व्यक्ति हूँ, मैं किसी को डिसअपॉइंट नहीं कर सकता, भाई मेरे मामा जी ने लड़के की शादी में बुलाया है तो भैया कैसा चाम चलेगा, कल को मेरी घर में कोई शादी होगी तो नहीं आएंगे। अरे भैया क्या फर्क पड़ता है, नहीं आएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, आप नहीं जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इन चीजों को सैक्रिफाइस करने की आदत नहीं डालोगे, कि सारी चीजें जिंदगी में एक साथ नहीं मिलती है। आप चाहो कि मैं ये भी कर लूं वो भी कर लूं, मैं फिल्म भी देखने जाऊं, मैं एग्जाम भी दूं, एग्जाम के दिन आप फिल्म देखने जाओगे, आप कहोगे नहीं यार मेरे दोस्त जा रहे थे मैं क्या करूं, अरे तो भैया तेरे दोस्त तो जो है वो 10वीं में 3 बार फेल होके जो आवारा घूम रहे तू भी घूम लेना। तो लाइफ के अंदर आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है आपकी लाइफ के अंदर। कई बार आपके दोस्त रिश्तेदार नाराज होते हैं, होने दो भाई, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज आपकी मंजिल कुछ और है। आप दुनिया में जितने सफल लोग हैं, आज देश के प्रधानमंत्री से पूछो कि भैया आपके चाचा के बेटे की शादी है, आप वहां जाओगे कि यूपी में चुनाव में जाओगे? वो नहीं जाएंगे चाचा की शादी में ना, बिकॉज उनकी प्रायोरिटीज कुछ और है, प्राथमिकता कुछ और है। तो आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज को सेट करिए,
आपको सैक्रिफाइस बिना घिसे ना जिंदगी में किसी को कुछ मिलता नहीं है। हमको हमको प्रॉब्लम यह है कि हमको आराम से मिलना चाहिए, हमको तो बैठे बैठे हलवा खाने के लिए मिलना चाहिए। ऐसा नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिला है, और जिसको मिला है ना उसको एक बार दो बार कभी मिल गया होगा। ऐसे तो हलवा भिखारी को भी मिल जाता है, कई बार भिखारी को भी पिज्जा बर्गर मिल जाता है, 500 रुपए का 1000 रुपए का पिज्जा कई बार बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज वाला जो है बंदा बैठ के खा रहा होता है, कोई भिखारी आता है उसको दे देता है, उपकार करने के लिए, खुद के ऊपर दुआएं लेने के लिए उस गरीब की वो दे देता है। तो ऐसा पिज्जा या हलवा खाने के लिए आप नहीं बने हैं ना, आप डिजर्व करके साला मैं लूंगा, अपने पैसे से लूंगा, अपने पैसे से गाड़ी लूंगा, ये सब अगर जुनून है, ये जिद है, तो आप सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाए। बिना सैक्रिफाइस इस दुनिया में किसी को कुछ नहीं मिला है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिन लोगों ने सैक्रिफाइस किया, बलिदान दिया, उन लोगों ने आज उनके बारे में हम लोग जानते हैं कि बहुत सफल लोग हैं। अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी का मैं अभी कपिल शर्मा का शो का एक वीडियो देख रहा था, इतना मतलब डाउन टू अर्थ व्यक्ति है, आज की तारीख में बहुत सफल सिनेमा स्टार हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन बोल रहे थे कि उस इंटरव्यू में कि मैं जब मुंबई आया था तो मैं रात में रेलवे स्टेशन पे सोता था और कई बार वड़ा पाव खाने के लिए, जो कि मात्र 10 रुपए का आता है दोस्तों, 10 रुपए का, वो वड़ा पाव भी खाने के पैसे नहीं होते थे, और वो सामने कोई खा रहा होता था उसको देख के रात भर रोता था कि मेरे गांव में वापस चले जाऊं। लेकिन ये डर था कि गांव बोल के आया था कि मैं स्टार बनूंगा, तो मैं बिना स्टार बने चल गया तो मेरी क्या इज्जत रहेगी और मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल वो गिर जाएगा, तो बंदा नहीं गया। और आज के तारीख में हजारों लोग उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए, ऑटोग्राफ लेने के लिए लोग इंतजार करते हैं। तो ऐसे बिना रगड़ खाए, बिना घिसे तो भैया कुछ नहीं होने वाला। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल आप जानते हैं, अमिताभ बच्चन, फिल्मों में काम नहीं मिलता था, लता मंगेशकर जी, दीदी अभी हमारे साथ नहीं रही, लता मंगेशकर जी, उन्होंने आखिरी दिन तक भी, मतलब वो जब तक घर में थी, मतलब जिंदगी के आखिरी दौर में भी, तभी भी बताते हैं 3-4 घंटा रियाज करती थी। हम लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हम लोग बिल्कुल मीटिंग अटेंड करना, ट्रेनिंग अटेंड करना, किताबें पढ़ना, ये छोड़ देते हैं, बेसिक्स को छोड़ देते हैं। बेसिक्स पे अगर अटके रहेंगे लगातार उनपे, क्योंकि आपको लगातार लोग देख रहे हैं, जैसा आप करेंगे वैसे आपकी टीम करेगी। आपको किताब पढ़ने की आदत है, आपको मॉर्निंग वॉक में जाने की आदत है, जो भी है आपको हर मीटिंग में आने की आदत है, आपके लोग आएंगे, आज नहीं कल आएंगे, परसों आएंगे, आना ही पड़ेगा बिकॉज आप लगातार कर रहे हैं। क्योंकि आपकी जड़ें मजबूत करने के लिए जड़ों में पानी देना है, यानी कि जड़ों में पानी देने से मेरा मतलब है एजुकेशन लेनी है, लगातार लेनी है, एक दिन का प्रोसेस नहीं है। कई बार क्या होता है, पेट बड़ा हो जाता है, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग हम ग्रो कर जाते हैं, बिजनेस बढ़ जाता है, हमारी लेवल्स बढ़ जाते हैं, यानी कि जैसे पेड़ में बहुत सारी पत्तियां जब आ जाती है तो बहुत सारे लोग पत्तियों पे पानी देने लगते हैं। लेकिन जब आप पत्तियों में पानी देते रहते हैं तो धीरे धीरे जड़ें कमजोर हो जाती है, क्योंकि जड़ों में पानी नहीं दिया है। आप पत्तों में खूब पानी दे दें फिर भी पत्ते सूख जाएंगे, क्योंकि आपने जड़ों में पानी नहीं दिया है। तो आपको लाइफ के अंदर आपकी जड़ें, जो रूट को हमेशा मजबूत करते रहना है, उसके लिए एजुकेशन अपने आप को देना है, ये मैं कहना चाहता हूं। आज मैं बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, सर आपके पास किसी को लेके आते हैं तो वो ज्वाइन हो जाता है, सो में से सो, तो मैं नहीं कह सकता कि मेरे पास भी आने से लोग सो में से सो ज्वाइन होंगे। ये तो मैंने आपको कहा कि असंभव है 100% होना, क्योंकि ये मिस्ट्रीज ऑफ माइंड वाला गेम है। लेकिन कंपैरेटिवली मैं लोगों को एक्सप्लेन करता हूं तो चांसेस होते हैं कि वो मेरे साथ आते हैं। वो रीजन ये होता है क्योंकि मेरा जो अनुभव है वो 15 साल से मैंने घिस घिस के, जब मैं इसी जगह जहां मैं ये आज आपको बैठ के प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, इसी जगह मैं गेहूं के जवारे लगाया करता था, और जब मैं सुबह 4 बज के उठ के लोगों को जवारे का जूस देने जाया करता था, तभी भी मुझे मालूम था कि मैं ये जवारे का जूस घर घर बांटने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। ये मुझे 100% मालूम था, और मुझे ये भी मालूम था कि एक दिन जरूर आएगा जब मैं एक बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा हूंगा, क्योंकि जिसके लिए मैंने अपना जॉब छोड़ा था, जिस राजीव भाई की प्रेरणा से मैंने इस काम को शुरू किया था, उस काम को अधूरा छोड़ने के लिए मैंने ये गेहूं के जवारे नहीं बांटे थे। अगर मेरे को यही अगर छोड़ना ही था, या मेरी ऐसी विचारधारा होती, तो मैं अच्छा जॉब ज्वाइन कर सकता था, तभी भी मुझे जॉब मिल सकता था। लेकिन मैंने अपनी चॉइस से, अपनी पसंद से ये काम को चुना, और जो अपनी पसंद से जो काम करते हैं ना, वो काम हमेशा सक्सेसफुल होता है। बहुत सारे लोग अपनी पसंद के काम नहीं करते हैं। अब क्या करना है, लोगों से पूछते हैं, बहुत सारे लोगों को मजाक लगता है, कोई लोग पूछते हैं, अंकल मुझे 12वीं कर ली, मुझे क्या करना चाहिए? अरे भाई क्या करना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग कर ले, डॉक्टर नेचर कर ले, मैं तो यही बताऊंगा। अब वो बंदा सुनना चाह रहा है कि मैं
एमबीए करूं, बीसीए करूं, डीसीए करूं, पता नहीं क्या क्या करूं, तो किसी और से क्यों पूछता है भाई? हम ज्यादातर लोग पूछते हैं भैया मैं कौन सा बिजनेस करूं, मैं पान की दुकान डालूं कि मैं पतंग की दुकान डालूं कि मैं हलवाई की दुकान डालूं। अरे भैया तू अगर अच्छा हलवाई है तो हलवाई की दुकान डालना, पतंग की दुकान का ही को डालता है। तो ये सब चीजें जो है ना हमें अनुभव से आती है और हमें लोगों से सीखना चाहिए, अनुभव लेने चाहिए, अपने आप को बलिदान करने के लिए, सैक्रिफाइस करने के लिए। बहुत सारे लोगों को बोलते हैं ना हमारा सैनिक ने बलिदान किया, हमारे चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया, तो बलिदान देने की वजह से उनको याद किया जाता है। बहुत सारे उनके समय में भी बिरयानी खा के मर गए, उन लोगों को कोई याद नहीं करता, लेकिन कुछ लोगों को याद किया जाता है बिकॉज वो उन्होंने कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस किया था अपने। आज आप देखते हैं जेपी शर्मा जी को देखते हैं, सॉरी ब्रजेश जी को देखते हैं, सनी को देखते हैं। सनी सिंह का मुझे मालूम है, पर्सनली भी मैं लोगों की लाइफ में जानने की कोशिश करता हूं, तो बहुत ही इमोशनल व्यक्ति हैं और बहुत सारी चीजें उनकी लाइफ में स्ट्रगल चल रही है। बहुत सारे हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ समस्याएं चलती रहती है, उस इंसान की जिंदगी में भी कुछ ना कुछ समस्याएं आती है, लेकिन उन समस्याओं को बाजू में रख के उसके चेहरे पे सिकर नहीं होती है जब बंदा बोल रहा होता है, जब जो ट्रेनिंग के टाइम में जो मोटिवेशन देने की जो पावर उनमें आती है वो सैक्रिफाइस की पावर है। और इसीलिए जो है मुझे मालूम है कि ये लोग किसी भी हाल के अंदर सक्सेसफुल होंगे, कोई इनको रोक नहीं सकता। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है, हमने सबसे पहले बात करी कि आपको जिद्दी होना चाहिए। कुछ चीजों को मैं थोड़ा सा वापस से रिवाइज कर देता हूं। लॉ ऑफ एवरेजेस या मिस्ट्रीज ऑफ माइंड, कि हर आदमी आपकी बात नहीं मानेगा, उसको भी आपको मानना चाहिए। प्रोफेशनल होना चाहिए आपको, सैक्रिफाइस करने ही पड़ेंगे, समय देना ही पड़ेगा। प्रोफेशनल का मतलब आपको लर्निंग लेनी पड़ेगी, एजुकेशन लेना पड़ेगा, इसके लिए समय लगता है। ये सब चीजों के बाद में जो इंपॉर्टेंट एक और चीज आती है, लव योर प्रोफेशन। प्रोफेशनल तो आप हो गए, लेकिन आप अपने प्रोफेशन से आपको प्यार नहीं है। आप खुद सोच के देखिएगा कि जो आप काम कर रहे हैं उस काम में आपको प्यार है कि नहीं है। डू यू लव योर प्रोफेशन? डू यू लव डॉक्टर नेचर? डू यू लव डॉक्टर नेचर प्रोडक्ट? Do you love your upline? Do you love your downline? अगर इनमें ना है, मन से पूछेगा सोते टाइम, तो believe me, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 1000 साल भी लगा दीजिए, आने वाली 10 पीढ़ियां लगा दीजिए, आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते हैं। प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। आप अपने आप को पूछिए, कोई और इसके लिए जज कर नहीं सकता, क्योंकि आप सोच के देखिए, सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलना बोझ लगता कि यार आज प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यार आज मैच में जाना पड़ेगा, तो क्या वो सचिन तेंदुलकर द गॉड ऑफ क्रिकेट बोले जाते? मुझे नहीं लगता। महेंद्र सिंह धोनी को खेलना अगर प्यारा नहीं होता, प्यार नहीं होता अपने खेल से, या विराट कोहली को अपने खेल से प्यार नहीं होता, या लता दीदी को गाना गाने से प्यार नहीं होता, क्या आपको लगता है लता जी को गाना गाना बोझ लगता होगा? आप सोच के देखिए, इतनी महान गायक इस दुनिया पे पैदा हुई, सदियों तक उनको याद किया जाएगा, वो इसलिए किया जाएगा अपने गाने से, अपने अपने प्रोफेशन से उनको प्यार था, राइट? उस प्यार की वजह से वो आवाज, वो प्यार नजर आता था उस आवाज में, वो दर्द, राइट? तो हमको अगर हमारे प्रोफेशन से प्यार हो जाएगा तो इस प्रोफेशन में हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि मजबूरी में किया हुआ रिश्ता चलता नहीं है। ये प्रोफेशन ऐसा है कि आपने इसको चूज किया है। देखिए, दो तरीके के हमारे समाज में शादियां होती है, लव मैरिज और अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज में क्या होता है कि आपके लिए आपके घर वालों ने एक लड़की देखी और आपकी शादी कर दी। लेकिन 21वीं सदी में अगर आप बिल्कुल नहीं जानते हैं पसंद नापसंद के बारे में, कैसी आपकी होने वाली वाइफ है, तो रिश्ता कई बार प्रॉब्लम में आ जाता है, बिकॉज आप रिश्ते में उतना मतलब इमोशनली अटैच नहीं होते। लेकिन अगर आपने लव मैरिज करी है, मैं ये नहीं कह रहा, किसी को भड़का नहीं रहा, भैया किसी के घर वाले मुझे ये ना बोलना कि भैया ये भड़काता है लोगों के लव मैरिज करो, नहीं आओ, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जब लव मैरिज करते हैं तो क्या करते हैं, आप अपने लिए लड़की ढूंढते हैं, तो आपने ढूंढ ली, वो लड़की आपसे शादी कर लेगी आसानी से ना? आपको बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, आपको उसके घर के आजू बाजू में चक्कर लगाने पड़ते हैं, डेट करना पड़ता है, एक दो बार बात करनी पड़ती है, फोन नंबर एक्सचेंज होता है, कई महीनों तक, कई कई बार कई सालों तक आप उनको डेट करते हैं और उसके बाद जाके आपकी शादी होती है। सेम इसी तरीके से इस प्रोफेशन से आपको प्यार करना पड़ेगा, डॉक्टर नेचर के साथ डेट करना पड़ेगा,
बार बार मिलना पड़ेगा, तब जाके आप इसके साथ बंधन में बंधेंगे, और लंबे समय तक एक बार बंधन बना तो लंबे समय तक चलता रहेगा। इस बिजनेस को एक और, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं लव योर बिजनेस के बाद में, आपको अपने बिजनेस का मालिक खुद बनना पड़ेगा, आपको अपने बिजनेस का मालिक खुद बनना पड़ेगा। टेक ऑनरशिप ऑफ योर बिजनेस, राइट। आपने कोई दुकान खोली, आपने कोई शोरूम खोला या कोई भी फैक्ट्री खोली, तो आप उसके मालिक होते हैं, आप उस ऑर्गेनाइजेशन के हेड होते हैं, राइट। तब आप क्या करते हैं, जब आप खुद मालिक होते हैं, उदाहरण के तौर पे अगर आपने कोई दुकान खोली या कोई फैक्ट्री चलाई, अब वहां कोई समस्या आती है, कोई भी समस्या आ सकती है। जैसे आज मैं फैक्ट्री चलाता हूँ, मेरे फैक्ट्री से फोन आता है, साहब आज इतने लड़के नहीं आए, हाँ काम करने वाले कम है, काम ज्यादा है, वो मशीन थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है, बिजली नहीं आ रही है, जनरेटर में डीजल नहीं है। अब मैं किसको शिकायत करूं, मेरे पास कोई है बंदा जिसको मैं फोन करके शिकायत करूं कि भैया मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, राइट। मुझे क्या करना पड़ेगा, या मेरी जगह कोई और भी होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, समाधान, सॉल्यूशन, क्योंकि मैं अपने बिजनेस का ऑनर हूं, तो मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है किसी को शिकायत करूं। तो मैं अरेंज करूंगा कि डीजल नहीं है मेरे जनरेटर में, तो डीजल डलवाऊंगा, बिजली के डिपार्टमेंट से बात कराऊंगा किसी को कि कितनी देर में लाइट आएगी, जो भी व्यवस्था करनी है वो सॉल्यूशन, समाधान करने के लिए कोशिश करूंगा, ना कि कंप्लेन करूंगा। लेकिन जब आप बिजनेस को अपना नहीं समझते हैं, आप किसी और का बिजनेस समझ सकते हैं, समझते हैं कि ये जो टीपी तिवारी का बिजनेस है, ये सनी सिंह जग्गी का बिजनेस है, ब्रजेश मौर्या का बिजनेस है, जेपी शर्मा जी का बिजनेस है, करण तोमर जी का बिजनेस है, राहुल मारवाल जी का बिजनेस है, यशपाल जी का बिजनेस है, किसी का भी बिजनेस है, ऐसा अगर आपके डाउनलाइन के दिमाग में आ रहा है तो विश्वास करिए जिंदगी में ब्रह्मा जी भी आ जाए तो उसको बिजनेस में आगे नहीं बढ़ा सकते। इस चीज का आप विश्वास करिए, आपको ऑनरशिप लेनी पड़ेगी, राइट। हम अगर बात करें, हम जनरली बोलते हैं ये देश किसका है, ये भारत देश किसका है, यशपाल जी आपके पीछे टीम बैठी हुई है, आप इनसे पूछिए ये देश किसका है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारा है, यही बोलते हैं ना, ये देश किसका है, हमारा है। अब आपसे ये पूछा जाए कि मैं, हालांकि एग्जाम्पल गलत होगा, पत्नी किसकी है, आपकी पत्नी किसकी है, तो आप बोलेंगे मेरी, सवाल ही नहीं है कि आप बोल दें हमारी, कोई भी इंसान नहीं बोलेगा इस दुनिया में। तो डॉक्टर नेचर किसका है, तो आपको बोलना पड़ेगा मेरा, डॉक्टर नेचर इज माय कंपनी एंड आई एम द ऑनर ऑफ दिस बिजनेस, मैं ही इस कंपनी का मालिक हूं, ये मेरा अपना बिजनेस है। तो आप लगातार सोल्यूशन देने की कोशिश करोगे, ना कि आप कोई ना कोई आप प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान दोगे। अदरवाइज क्या होगा सर, इसका ये कोई व्यक्ति फोन करता है, सर इसका वेबसाइट पे ये नहीं है, फिर हम चेक करके बताते हैं, अच्छा 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 ठीक है, मेरे किसी डाउनलाइन ने फोन किया था, अरे आपने खुद चेक नहीं किया, आपके डाउनलाइन ने फोन किया कि साहब कस्टमर केयर नंबर नहीं है वेबसाइट के ऊपर, तो उनके अपलाइन के अपलाइन के अपलाइन, मतलब तीन तीन चार चार लोग देखते नहीं है, सीधा कंपनी में फोन करते हैं, साहब कंपनी की उसके ऊपर हेल्पलाइन नंबर नहीं है सर, अरे भैया है, अच्छा है क्या सर, अच्छा ठीक है हमने देखा नहीं था, अरे आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की तरफ कोशिश करिए, कंपनी ने कॉल सेंटर में स्टाफ बैठा रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम मतलब खुद कुछ भी एफर्ट ना करें, क्योंकि आपकी कंपनी है भैया, आपका ही कॉल सेंटर है। मैं सारे दिन तो कॉल सेंटर में टीपी तिवारी फोन नहीं करता ना, अरे तुम क्या कर रहे हो, क्या कर, बेसिकली क्या है कि हम मुझे मालूम है कि मेरा स्टाफ है, मुझे उसको मॉनिटर करना है, लेकिन ये नहीं कि मैं सॉल्यूशन खुद देने की कोशिश ना करूं। तो वही चीज है कि आपको अपना सॉल्यूशन खुद देना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन आप अपने बिजनेस के मालिक बन जाते हैं, उस दिन से आपकी कमान आपके हाथ में आ जाती है और आप आगे बढ़ने लगते हैं। एक उदाहरण और देता हूं, आपने ये सुना भी होगा, दो दोस्त थे, बहुत पुराना उदाहरण है, मैंने भी कहीं से सुना है, दो दोस्त थे और दोनों साथ साथ काम किया करते थे, कहीं भी, बहुत सारे दोस्तों के साथ होता है ये, तो बहुत सारी स्टोरीज है ऐसी, दो दोस्त साथ साथ काम करते थे, कहीं जॉब करते थे, सुपरवाइजर मान लीजिए, क्लर्क मान लीजिए, कई सालों बाद वो दोस्त वापस मिलते हैं। एक दोस्त जो है, मिलते कैसे हैं कि एक दोस्त कंपनी का मालिक हो जाता है और दूसरा दोस्त वहां पर इंटरव्यू देने के लिए आता है, जो दोनों साथ में काम किया करते थे, दोनों क्लर्क थे। अब ये एक दूसरे को पहचान लेते हैं, तो ये दोस्त जो क्लर्क
था और क्लर्क ही है और क्लर्क का ही नौकरी ढूंढ रहा है, ये कंपनी के मालिक से जो कि उसका दोस्त था उसको पूछा कि यार तू तो मेरे साथ ही काम करता था, इतना बड़ा कंपनी का मालिक कैसे बन गया, तुझे कोई लॉटरी मिल गई थी? उसने कहा देखो तेरे में और मेरे में फर्क इतना ही था कि मैं जब से नौकरी करता था एज अ क्लर्क तभी भी मैं उस कंपनी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता था, हालांकि उस समय मैं मालिक नहीं था, क्लर्क ही था तेरे जैसे, लेकिन तुझे याद होना चाहिए कि एक बार हम दोनों फिल्म देखने जाने वाले थे, हमने टिकट भी बुक कराया था, हम शाम में खाना भी बाहर खाने वाले थे, लेकिन मुझे याद आया जब हम बाहर निकले 4 किलोमीटर दूर जाने के बाद कि ऑफिस की लाइट हम लोग चालू छोड़ के आ गए, मेरी फैक्ट्री में भी कई बार होता है, मेरे ऑफिस में भी कई बार होता है, मैं ऑफिस में कई बार रात में देखता हूँ 11 बजे निकलता हूँ 12 बजे निकलता हूँ कई बार, तो मैं सारे ऑफिस की लाइट चेक करता हूँ कि कहीं कोई लाइट तो जली हुई नहीं है, कोई सिस्टम तो ऑन नहीं है, जबकि सब अपने अपने लोग जो बैठते हैं कंप्यूटर पे उनको ऑफ करके जाना ही चाहिए और जाते भी हैं, लेकिन फिर भी मैं चेक करता हूँ कि कोई जली हुई तो नहीं है, क्योंकि अननेसेसरी लाइट बर्बाद होगी, और आप एक छोटी सी दुकान भी चलाते हैं, बिजनेस भी चलाते हैं, आपके घर में भी आपके माता पिता ये बार बार ध्यान देते हैं क्योंकि वो घर के मालिक हैं, ऑनर हैं। लेकिन मैंने कहा, उस दोस्त ने कहा कि मैंने कहा कि चल वो लाइट बंद करके आते हैं, वो जलती ही रह गई है, रात भर मीटर आएगा, तो तूने बोला था यार अपने जेब से क्या जाता है, ये ऑफिस का है, हम दोनों ने टिकट बुक कराया, हमारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। उस दोस्त ने कहा कि तू फिल्म देखने गया था और मैं लाइट बंद करने गया था, मैं तब भी मालिक था आज भी मालिक हूं, तो तब भी क्लर्क था आज भी क्लर्क है। तो जब तक आप अपनी ओनरशिप नहीं लेते हैं, अपने बिजनेस की जिम्मेदारी लेते नहीं है, मालिक नहीं बन जाते हैं, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ के अंदर। एक और चीज हम इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, वो है नेवर कंपेयर, तुलना मत करिए किसी से। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, वो कहेंगे कि साहब मैंने तो, आप कहेंगे कि मुझे 7,000 का चेक आया, मुझे 5,000 का, हो सकता है आपको 1,500 का चेक आया, मुझे भी 437 रुपए का चेक आया था जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में था, पहला मेरा चेक 437 रुपए का था और वो 17 लाख तक पहुंचा। लेकिन अगर मैं कंपेयर करता, जैसे बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे जब आपका पहला चेक आएगा, हो सकता है पहला छोटा सा प्रॉफिट होता है, बिकॉज ये पौधा लगाते हैं ना, तो जब पौधा लगाते हैं तो छोटी छोटी पत्तियां ही निकलती है, पहले दिन से आम के पेड़ पे आम नहीं लग जाते ना, ये टाइम लगता है। एनीहाउ, तो आप किसी से कंपेयर मत करिए अपने आप को, क्योंकि कुछ लोगों को आप जब बोलेंगे कि देखो भैया मेरे को 1,200 रुपए का चेक आया है, 2,000 का आया है, 3,000 का आया है, कुछ कहेंगे मैं तो भैया क्रिप्टो कर रहा हूँ आजकल, इन्वेस्टमेंट वाला प्लान कर रहा हूँ, मेरे तो 1 महीने में 1,00,000 रुपए आ गए, मेरे 50,000 आ गए। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो कब तक आते रहेंगे, क्या वो सिस्टम उनको जिंदगी भर रिच बना सकता है, क्या दुनिया में सबसे ज्यादा मिलियनेयर लोग क्रिप्टो से बने, नो, इन्वेस्टमेंट वाले से बने, नो, नेटवर्क मार्केटिंग से बने हैं, इथिक्स से बने हैं, एजुकेशन लेके बने हैं, सिस्टम में चल के बने हैं, पैसा कमाना और कमाते रहने में फर्क है, तो आप किसी से कंपेयर मत करिए। दूसरी चीज, अच्छे काम में थोड़ा समय लगता भी है, अच्छे काम में थोड़ा समय लगता भी है, क्योंकि आप कई लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे, रिजल्ट आएगा, उसके बाद इंस्पायर होंगे, उसके बाद नेक्स्ट महीने आपके साथ ज्वाइन करेंगे, तो समय लग सकता है, शुरू में समय लगेगा, लेकिन बाद में ये रफ्तार पकड़ लेगा, क्योंकि बड़ा सा गोला है उसको धक्का देने में शुरू में समय लगता है, एक बार जब वो गोल 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 घूमने लगता है तो आसानी से आप घुमा लेते हैं। किसी रिक्शा चलाने वाले से पूछिए, जब वो रिक्शा चलाते हैं शुरू शुरू में तो बहुत दम लगता है, बाद में ऑटोमेटिकली पैर चलने लगते हैं क्योंकि वो एक रिदम बन जाता है। तो आप दूसरों से कंपेयर ना करें। एक उदाहरण देता हूं, इस कंपेरिजन पे आपको शायद अच्छा लगे। एक बार एक कुतिया और एक हाथी बहुत अच्छे दोस्त थे, दोनों की दोस्ती हो गई, दोनों साथ साथ बैठते थे जंगल में। कुतिया प्रेग्नेंट हो गई, हाथी भी प्रेग्नेंट हो गई। कुतिया ने हाथी से कहा कि मैं प्रेग्नेंट हो गई। हाथी ने कहा बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारक हो तुम्हें। उसने कहा मैं भी प्रेग्नेंट हो गई हूँ, हाथी ने कहा। कुतिया ने कहा तुम्हें भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब कुतिया जो है 2-3 महीने 4 महीने हुए, कुतिया ने फटाक से जो है 5-7 पिल्लों को जन्म दे दिया। कुतिया ने अपनी डिलीवरी की खबर जो है हाथी को सुनाई कि भाई मेरे तो 4-4, 5-5 पुत्र, मेरे पपीज जो है बच्चे पैदा हुए हैं, तुम्हारा क्या हुआ? उसने कहा नहीं अभी कुछ नहीं हुआ, अभी चल रहा है। फिर 4-5 महीने हुए, कुतिया फिर से जो है प्रेग्नेंट हो गई, फिर से बच्चे दे दिए। तो इस तरीके से हर 4-5 महीने में कुतिया ने बच्चे जन्म देते रहे और 2 साल के अंदर कुतिया के तकरीबन 20-22 बच्चे हो गए। हाथी ने तब तक एक भी पैदा नहीं किया। कुतिया ने कहा कि यार ये क्या चक्कर है तुम्हारा, मेरे पास 20-20 बच्चों की फौज तैयार हो गई है और तुम्हारे अभी तक एक भी नहीं आया है। तो हाथी ने कहा
हमारा आने वाला कुत्ता नहीं है, हाथी है। हमारे वाला हाथी है, जब वो आएगा तो एक पैर भी रखेगा ना तो तुम्हारे सारे कुत्ते 2-2 किलोमीटर दूर भागेंगे, राइट। तो क्या होता है कि आप लाइफ में बड़ा काम करते हैं ना, हाथी पैदा करने वाले हैं तो आपको समय लग सकता है। अगर जिंदगी के अंदर आपको कुत्ते पैदा करने हैं, कहने का मतलब छोटे काम करने हैं जिसमें ज्यादा सफलता नहीं है, वैसे काम आपको जल्दी हो सकते हैं, लेकिन आपको हाथी पैदा करना है और शेर पैदा करने हैं तो आपको समय लग सकता है। तो उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहें, और नेटवर्क मार्केटिंग में लंबे समय तक सक्सेसफुल आपको होना है तो आपको 4-5 साल देना ही पड़ेगा। आप चाहते हैं कि आपको 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, मेरे ऑफिस में कुछ लोग आते हैं तो मैं उनको बताया भी हूं, मेरे जो अप्लायंस रहे हैं कोई समय में वो आज 5-5 करोड़ रुपया महीना कमाते हैं, लोगों को जिंदगी गुजर जाती है 5 करोड़ कमाने में। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, पर्सनली जानता हूं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं वो, जो 5 करोड़ महीने का कमाते हैं और कमा रहे हैं लगातार लगातार, हर महीने 5, 5.5, 5.5। तो ये लोगों ने बेसिकली क्या है, एजुकेशन ली होगी, लर्निंग करी होगी और हाथी के बच्चे पैदा करने वाली टेक्निक को यूज किया होगा। तो वो ही आपको समझना पड़ेगा कि इट विल टेक टाइम बट इट इज ऑलवेज यू कीप ऑन अर्निंग वंस यू स्पेंड टाइम फॉर योर एजुकेशन। तो खुद के लिए थोड़ा सा समय दीजिए और लगातार आपको प्रयास करने ही पड़ेगा। और उसके बाद जो चीज आती है वो चीज ये है कि आपको लगातार सफल रहने के लिए बहुत सारी चीजें करनी है, जैसे मैंने कहा कि जिद करनी है, कोशिश करनी है। लक यानी कि किस्मत जो है बहुत कम लोगों की साथ देती है। देखिए किस्मत से कुछ मिलता है ना, वो टेम्परेरी हो सकता है, आपको लॉटरी लग जाए, आप डॉक्टर नेचर का फॉर्म भर दिया, आपने साइन अप कर लिया, आपका आईडी पासवर्ड आ गया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपको अगले महीने से पैसे आने लगेंगे। हमने अकाउंट नंबर लिया जरूर है, लेकिन वो आप काम करेंगे तब पेमेंट आएगा, हम अपने आप पेमेंट डालने वाले नहीं है उसके अंदर। यानी कि कोई लॉटरी के टिकट की तरह काम नहीं करेगा कि बाई चांस हमारे मैंने लॉटरी निकालेंगे और कुछ लोगों को हम लोग पैसे डाल देंगे, ऐसा नहीं है। जिन आईडीज में काम दिखेगा, जहां बिजनेस वॉल्यूम दिखेगा, वहीं हम लोग पैसे डालने वाले हैं। इसलिए किस्मत के भरोसे किसी को रहना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि किसी की किस्मत अच्छी है, किसी की किस्मत खराब है, ऐसा नहीं है। और ज्यादातर लोग, जैसे मैंने कहा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वो भी सेंटेंस पूरी तरह सत्य नहीं है। उसी तरीके से किस्मत भी जो है मेरे हिसाब से एक सच्ची बात नहीं है। बहुत कम लोग हैं जिनको बाई चांस मिलता है, क्योंकि जो डिजर्व करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनसे कुछ मिलता है तो वो टिका रहता है, लेकिन बाई चांस मिल गया तो वो बाई चांस ही कभी कभार मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाएंगे, ऐसे भी लोग जो है मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। देखिए बात सही है, ना मैं ना कोई दुनिया के अंदर कोई भी साथ में कुछ लेके नहीं आया है, लेकिन ना ही साथ लेके जाएगा। लेकिन ये जो प्रोसेस है, जो पैदा होने से लेके और आने और जाने के बीच का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आप क्या करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि उसी के आधार पे आपकी हस्ती, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी लाइफ जो है वो जानी जाती है। जैसे लता जी जो है, मुझे लगता कि वो पैदा हुई थी तभी गाने गाने लगी थी, राइट, या उनको लकीली ये सिंगिंग आ गई होगी, बहुत सारा रियाज किया होगा, बहुत सारी मेहनत करी होगी। सचिन तेंदुलकर लकीली क्रिकेट में शामिल नहीं किया होगा भारत की टीम में, उन्होंने प्रयास किया होगा, मेहनत करी होगी तो वो शामिल हुए। तो हमें यही कोशिश है कि हम अपने आप को तैयार रखें। थोड़े से आपको तकलीफ भी कभी कभार सहन करनी पड़ती है, आपको जैसे मैंने कहा कि आपको लाइफ में आगे बढ़ते समय तकलीफें भी आपको होती है। आपको जल्दी सवेरे उठ के, मैं कुछ लोगों को देखता हूँ प्रयागराज में, सुबह जल्दी उठ के वो 5-6 बजे पंपलेट लीफलेट बांटने जाती है हमारी महिला की कुछ टीम, विजय लक्ष्मी जी उनका नाम है। सुबह जल्दी उठ के भी, जबकि लोगों को ठंड में बिस्तर से निकलना बड़ा मुश्किल होता था, अपनी छोटी सी बिटिया के साथ भी मैंने उनको देखा फेसबुक पे उनके फोटोग्राफ। तो देखिए ये दर्द तो सहन करना पड़ता है, जो सहन कर जाते हैं ना, जो मजबूती के साथ सहन कर जाते हैं वो लोग आगे बढ़ जाते हैं, और जो सहन करने से डरते हैं वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते। एक उदाहरण फिर इसके ऊपर देता हूं, हो सकता है इन उदाहरण के माध्यम से आपको कुछ चीजें मैं दे पाऊं। तो ये दर्द सहने वाली बात के ऊपर, कि एक बार दो पत्थर थे बेसिकली, एक कोई व्यक्ति मेरे जैसा कोई आदमी गया और उसने हमारे जयपुर में या मूर्ति बनाने वालों का एक बहुत बड़ा
जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग मूर्ति बनाते हैं, मूर्ति बाजार है। तो वहां एक आदमी आता है, उसने कहता है कि मुझे एक मूर्ति बनवानी है, बहुत अच्छी सी मूर्ति बनवानी है। तो उसने वहां पे कुछ पत्थर देखे, यार ये पत्थर की बना दो, ये पत्थर अच्छा लग रहा है, बड़ा सफेद सफेद लग रहा है, ये संगमरमर जो है हमारा यहाँ मकराना मार्बल्स बोलते हैं वो मार्बल का लग रहा है, इसका बना दीजिए। तो जो मूर्तिकार था उसने कहा ठीक है सर, मैं इसी पत्थर की आपके लिए मूर्ति बना देता हूँ। तो उसने कहा कि चलो मैं एक दो दिन यहीं रुकता हूँ, ये मूर्ति कैसे बनती है मैं भी देखता हूँ। उसने मूर्ति उस पत्थर से बनाना शुरू करा, और जैसे ही चैनी हथौड़े से वार करा, वो मूर्ति जिस पत्थर से बनाने वाला था, वो पत्थर बोला ना 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 प्लीज, बहुत दर्द हो रहा है, अभी मत मारो, अभी मैं नहीं सहन कर सकता, अभी मत मारो। तो खैर मूर्तिकार को लगा कि यार ये पत्थर तो काम का नहीं है, ये तो चिल्ला रहा है बार बार। उसने उसको छोड़ दिया और उस आदमी से बोला कि सर मेरे पास दूसरा एक और पत्थर है, उसकी मैं मूर्ति बना के देता हूँ। उसने उस पत्थर से मूर्ति बनाई, वो पत्थर ने कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप चुपचाप वो मार सहन करता रहा। जितने बार उसने हथौड़े से मारी उसकी बार वो चुप रहा। और जब मूर्ति बन गई, मंदिर में ले गए, जब मंदिर में ले जाने लगे मूर्ति को, लेने आया आदमी, तो उसने कहा भाई साहब ये वाला पत्थर किस काम का है? उसने कहा भाई साहब मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि मूर्ति तो बन नहीं सकती इसकी, ये तो मेरे किसी काम का नहीं है, मेरी जगह और गिर रहा है। तो उसने बोला ये भी हम ले जाते हैं। तो वो ले गए, उसने पूछा भाई साहब इसका क्या करोगे? बोला मंदिर के बाहर नारियल फोड़ने में काम आएगा, मंदिर के बाहर नारियल फोड़ने के लिए रख देंगे, तो बड़ा अच्छा पत्थर है, दिखने में अच्छा है, इसको ले जाते हैं। और उसने एक मूर्ति को तो मंदिर में लगा दी, बाकी सब लोग आते जय माता दी, बाहर धबाक एक नारियल फोड़ते, दो नारियल फोड़ते, तीन नारियल फोड़ते, चार नारियल फोड़ते, और बार बार उस पत्थर के ऊपर नारियल फोड़ते जाते। और वो पत्थर चिल्लाता मरा रहे, अभी और लगी, अभी और लगी। वो सामने जो मूर्ति लगी थी उसकी तरफ देखा उसने, तो उस मूर्ति ने कहा उससे कि मैं दर्द तो सहन करना पड़ता है, मैंने एक बार सिर्फ 4-5 घंटे या 2-3 दिन सहन किया, तुझे जिंदगी भर नारियल फोड़वाने पड़ेंगे अपने सर के ऊपर, तो दर्द तो लेना पड़ेगा आपको, आप अभी ले लेते तो अच्छा है। बहुत सारे लोग अपने एजुकेशन के टाइम में, 12th में 10th में, इवन जब भी वो ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, मेहनत करते हैं, रात भर जगते हैं, कई बार खाना नहीं खाते, जैसे मैं एग्जाम के टाइम में खाना नहीं खाता था, बहुत सारे लोग नहीं खाते नाइट में, जब आपको काम करना होता है कि आपको नींद ना आ जाए, या रिश्तेदारों की शादी में, बोर्ड के एग्जाम होते हैं तो लोग शादियों में नहीं जाते हैं, राइट। तो बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, बहुत सारे तकलीफें सहन करनी पड़ती है, समय देना पड़ता है, एजुकेशन लेनी पड़ती है, लर्निंग करनी पड़ती है, और यही तरीके हैं जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। और कल हम और भी नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय बहुत ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि तकरीबन 1.25 घंटे से ऊपर हो चुका है। तो कल फिर से हम लोग मिलेंगे, और कल एक बहुत अच्छा और सेशन करने की कोशिश करूंगा, और मेरी कोशिश है कि हम एक दूसरे को इंस्पायर करें। मैं बहुत सारी चीजें आप सब लोगों से सीखता हूँ, बहुत सारी चीजें कोशिश करता हूँ कि आप मुझे सिखाएं। तो कल का सेशन हम इस तरीके से रखेंगे कि बीच बीच हम बात भी करते रहें, और हम चाहते हैं कि आप सब लोग सफल हों। मेरी कोशिश ये कि आपकी सफलता में मेरी सफलता है, आप लोगों की जिंदगी के अंदर, क्योंकि आप इतना समय दे रहे हैं डॉक्टर नेचर में, तो मेरी पूरी की पूरी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप आगे बढ़ें। और इस जिम्मेदारी के लेने के वक्त कई बार मैं आपके साथ अगर कुछ शक्ति से पेश आऊं, या हो सकता है मैं आपसे कहूं कि ये काम आपको करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो मान के सोच के चलिए कि ये मैं आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूं। आप अगर आगे बढ़ेंगे तो और लोग आपको देख के इंस्पायर होंगे, अगर आप पैसा कमाएंगे तो बहुत सारे लोग आपको देख के पैसा कमाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, विश यू वेरी वेरी गुड लक, एंड सी यू टुमारो, कल फिर से मिलता हूँ। जेपी शर्मा जी, आप अगर कुछ कहना चाहें तो प्लीज वेलकम। अंशुल, जेपी शर्मा जी हैं? यस सर जी। नहीं सर, थैंक यू, आपने इतना सब कुछ शानदार बताया तो मेरे पास शब्द नहीं है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं जितने भी सुनने वाले हैं सब लोगों से निवेदन करूंगा कि प्लीज कल टाइम पे आए और अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट करें, ताकि सर के डायरेक्शन में हम अपना मिशन 100 डायमंड का लक्ष्य पूरा कर सके। थैंक यू सर, नमस्ते नेचर। थैंक यू।